स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेल ऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है बैग ओपनिंग, बैग क्लोजिंग और बैग डिस्पैचिंग। पुराने दर्पण डिवाइस की बात की जाए तो ये सभी ऑप्शन आपको डेल ऐप के अंदर बैग क्लोज, बैग ओपन और बैग डिस्पैच के आइकन में मिलते थे। नए डिवाइस में ये सभी आइकन एक सिंगल ऐप में इंक्लूड कर दिए गए हैं। बैग ओपन करने की, बैग क्लोज करने की और बैग डिस्पैच करने की जो सारी एक्टिविटी है वो बैगिंग आइकन से कंप्लीट करनी है आप सभी को। बैगिंग सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो है बैग ओपनिंग का। बैग ओपनिंग के लिए आपको उस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बारकोड स्कैनर जैसा एक छोटा सा आइकन कॉर्नर में मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप बैग का बारकोड इस फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख दोगे। या तो आप मैनुअल एंटर कर सकते हो या आप बारकोड स्कैन के थ्रू भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको वर्चुअल डेटा अगर मिल जाता है तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स इसके अंदर रिसीव करने हैं। हर एक आर्टिकल को आप स्कैन करके बारकोड आइकन के थ्रू इसमें एंटर कर सकते हो। अगर आपको वर्चुअल डेटा नहीं मिलता तो आप मैनुअल बैग की एंट्री भी कर सकते हो। उसके लिए आपको आर्टिकल नंबर और उसका आर्टिकल टाइप सिलेक्ट करके ऐड करना होगा। ये देखिए, क्लिक ऑन बारकोड आइकन टू स्कैन द आर्टिकल्स वन बाय वन। जैसे जैसे आप आर्टिकल स्कैन करोगे ये आपको आर्टिकल की काउंट और कौन कौन से आर्टिकल आपने रिसीव किए हैं वो आपको शो करता रहेगा। इसके बाद बात आती है जो आर्टिकल्स के साथ आपको बैग में इन्वेंट्री, डॉक्यूमेंट या कैश मिला है, वो भी आप इस आइकन के थ्रू रिसीव कर सकते हो। उसी के नीचे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। यू हैव टू वेरीफाई द डिटेल्स टू रिसीव द इन्वेंट्रीज, डॉक्यूमेंट्स एंड कैश इनवॉइस्ड बाय AO। आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि जो आपको सामान भेजा गया है वही BO स्लिप पर एंटर है, उसी हिसाब से आपको रिसीव हुआ है। उसके नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है सेव बटन का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे आर्टिकल्स, इन्वेंट्री, डॉक्यूमेंट्स, कैश रिसीव हो जाएगा। कैश रिसीव करने का एक और तरीका आप सभी को हमने बताया है, जो कि है स्पेशल रेमिटेंस, और वो यूटिलिटी टैब के अंडर ही अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं यदि आपके पास आर्टिकल कम आते हैं, जितने आर्टिकल आपको स्कैन करके भेजे गए हैं। इस सिनेरियो को हम बोलते हैं शॉर्ट आर्टिकल सिनेरियो। यदि आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल फिजिकली जो है वो कम रिसीव हुए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जो आपको एक्सपेक्टेड थे डिलीवरी एप्लीकेशन में, तो इस सिचुएशन को आप शॉर्ट आर्टिकल सिचुएशन कह सकते हो। इसके लिए आपको एक कन्फर्मेशन देनी होगी जैसे ही जो स्क्रीन पर आएगी, जब भी आप कभी शॉर्ट आर्टिकल रिसीव्स करोगे तो आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। एक और सिनेरियो की बात कर लेते हैं, यदि आपके पास बैग डेटा अवेलेबल नहीं होता वर्चुअली तो आपको ये सब कुछ मैनुअल एंटर करना पड़ेगा। मैनुअल बैग रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको उसके अंदर BO स्लिप का नंबर एंटर करना है, जो कि आपकी BO स्लिप के ऊपर ही आपको मिलता है, जो आप डेली रिसीव करते हो अकाउंट ऑफिस से। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करके ये कंफर्म करना है कि आप मैनुअल एंट्री कर रहे हो। उसके बाद आपको एक एक आर्टिकल स्कैन करना है बारकोड आइकन के थ्रू या मैनुअल एंटर करके। उसके साथ साथ आपको रिसीव करते हुए आर्टिकल का टाइप भी सिलेक्ट करना है कि एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है, स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, पार्सल है, लेटर है, या फिर आप इन्वेंट्री कैश रिसीव कर रहे हो। अब बात आती है डे एंड के बाद आप बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट कर लेते हो बैग क्लोजिंग की। बैग क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले बैग नंबर उसमें एंटर करना है, उसके बाद आपको आर्टिकल उसके अंदर ऐड करने हैं। आर्टिकल्स जो आप ऐड करोगे वो आपके बुक आर्टिकल्स, रिटर्न्ड आर्टिकल्स, रिडायरेक्टेड आर्टिकल्स और मिससेंट हो सकते हैं। उसके लिए आपको बारकोड आइकन के थ्रू हर एक आर्टिकल का नंबर स्कैन करना है और ऐड करते जाना है इस लिस्ट के अंदर। ये आपको शो भी करता रहेगा कि आपने कितने आर्टिकल्स इसमें स्कैन कर लिए। बैग क्लोज करने के बाद आपके पास बैग डिस्पैच का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर वो एक प्रिंट मेल लिस्ट का ऑप्शन देगा, जिससे आप मेल लिस्ट प्रिंट कर सकते हो। ये आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद डिस्पैच बटन पर क्लिक करने के बाद बैग डिस्पैच हो जाएगा। एक और ऑप्शन जो इसके अंदर अवेलेबल है वो है बैगिंग रिपोर्ट का। बैग रिपोर्ट्स में ही आप बैग ओपनिंग और बैग क्लोजिंग की रिपोर्ट्स देख सकते हो। आप पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करोगे, ये आपको शो करेगा कि बैग का नंबर, ओपनिंग टाइम, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल टाइप
इसी तरह बैग क्लोज की भी रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसके अंदर भी बैग नंबर, क्लोज टाइम, आर्टिकल टाइप, आर्टिकल नंबर आपको शो होगा। ये सब आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखना है। इंस्पेक्शन के टाइम भी आपसे ये चीज़ें मांगी जाती हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एक छोटा सा वॉलेट का। वॉलेट जो है वो आपका कैश वॉलेट होता है, जिसके अंदर आपका जितने भी में अवेलेबल कैश है वो शो होगा। ये ऑटोमेटिकली ही अपडेट होता रहता है, हर बार जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे। कैश वॉलेट ऑप्शंस जो है वो इसमें भी बताया गया है कि कैश बैलेंस का चेक करने का ऑप्शन है, किसी भी टाइम आपकी वीओ में क्या कैश बैलेंस अवेलेबल है यहाँ से आप देख सकते हो। ये छोटा सा आइकन ऊपर बना हुआ है, कैश डिटेल्स पर आप क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएंगी जो जो ट्रांजेक्शन्स आपने की है उससे आपके वॉलेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ये बहुत ही ज़रूरी सिनेरियो है। सबसे पहले आप जिस दिन काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चेक करना है कि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपका कैश वॉलेट चेंज हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं हो तो आपको इमीडिएटली अपने डिवीज़न ऑफिस कॉन्टैक्ट करना है और बात करनी है, क्योंकि ये अपडेट होना चाहिए। इससे आपकी बीओ का बैलेंस में फ़र्क आ सकता है, जो कि बाद में आपको दिक्कत करेगा। ट्रांजेक्शन डिटेल्स में भी आप जाकर ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन से कैश वॉलेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। दर्पण 2.0 प्रोजेक्ट की बाकी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी अगर कोई क्यूरी है तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।